स्वागत है आपका वर्ल्ड कप 2019 से पहले एक इंटरव्यू में सचिन तेंदुलकर सर ने काफी सारी बातें कही, जहां पर उन्होंने एमएस धोनी की बैटिंग पोजीशन को लेकर भी अपना बयान दिया। क्या कहा दोस्तों उन्होंने आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों यहां पर 30 मई से वर्ल्ड कप 2019 की स्टार्टिंग होने वाली है, जहां पर इंडिया जो है वो अपना पहला मैच 5 जून को खेलेगी साउथ अफ्रीका से। यहां पर वर्ल्ड कप 2019 को लेकर सभी पूर्व दिग्गज खिलाड़ी जो है वो अपनी राय दे रहे हैं, चाहे वो टीम सिलेक्शन को लेकर हो या फिर बैटिंग पोजीशन को लेकर। और यहाँ पर दोस्तों सचिन सर ने भी काफी सारी बातें करी एक इंटरव्यू में, जहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उनसे यही पूछा गया कि एमएस धोनी की बैटिंग पोजीशन जो है वो क्या होनी चाहिए वर्ल्ड कप 2019 में, क्या उन्हें नंबर 4 पर खेलना चाहिए या फिर उन्हें नंबर 5 या 6 पर खेलना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों सचिन तेंदुलकर सर ने कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि एमएस धोनी जो है वो सूटेबल रहेंगे नंबर 5 की पोजीशन के लिए और उन्हें नंबर 5 पर ही जो है वर्ल्ड कप 2019 में खेलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे पास रोहित शर्मा और शिखर धवन जैसे ओपनर है, नंबर 3 पर विराट कोहली आएंगे, ऐसे में नंबर 5 जो है वो परफेक्ट चॉइस रहेगी एमएस धोनी के लिए और एमएस धोनी को नंबर 5 पर आना चाहिए, ये टीम इंडिया के लिए जो है वो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। तो ये राय दी दोस्तों यहाँ पर सचिन तेंदुलकर सर ने, जहाँ पर उन्होंने कहा कि नंबर 5 पर जो है एमएस धोनी को खेलना चाहिए वर्ल्ड कप 2019 में। दोस्तों आपको बता दें इससे पहले जब रोहित शर्मा से एमएस धोनी की पोजीशन को लेकर पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि नंबर 4 जो है वो परफेक्ट चॉइस है एमएस धोनी के लिए और एमएस धोनी को वर्ल्ड कप 2019 में नंबर 4 पर जो है वो खेलना चाहिए, इनसे उन्हें जो है वो ज्यादा टाइम मिलेगा क्रीज पर और सेट हो जाएंगे वो और ये टीम इंडिया के लिए जो है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो रोहित शर्मा की जो राय थी वो थी नंबर 4 की, लेकिन सचिन तेंदुलकर सर ने यहाँ पर कहा है कि नंबर 5 पर जो है यहाँ पर एमएस धोनी को खेलना चाहिए। इसके अलावा भी दोस्तों सचिन सर ने काफी सारी बातें कही, अगर आपको मेन बताए तो सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर कोई एक प्लेयर जो है वो वर्ल्ड कप जैसे टाइटल को नहीं जिता सकता, पूरी टीम को आगे आना पड़ेगा और हर मैच में 2-3 प्लेयर को जो है वो एक्स्ट्रा परफॉर्म करना पड़ेगा, अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा और पूरी टीम एफर्ट के साथ ही जो है टीम इंडिया यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। इनके अलावा दोस्तों जब उनसे पूछा गया कि 2 रिस्ट स्पिनर को खिलाना चाहिए कुलदीप यादव और चहल को एक साथ प्लेइंग 11 में, तो उन्होंने कहा कि वो जरूर खिलाना चाहेंगे कुलदीप यादव और चहल को एक साथ, क्योंकि इंग्लैंड जैसी सिचुएशन में अगर ये दोनों प्लेयर मिडल ओवर में एक साथ बॉलिंग करेंगे तो सामने वाली टीम के जो बैट्समैन है वो काफी ज्यादा मुसीबत में आ सकते हैं, तो ऐसे में कुलदीप यादव और चहल दोनों को ही जो है वो प्लेइंग 11 में खिलाना चाहिए। जब उनसे पूछा गया दोस्तों नंबर 4 की पोजीशन को लेकर तो उन्होंने कहा कि इंडिया के पास काफी सारे बैट्समैन है, ऐसे में नंबर 4 जो है वो कोई एक प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्लेयर जो इंडिया जिसको जॉब देगी वो अच्छे से जो है उस जॉब को कर सकता है, तो नंबर 4 की जो पोजीशन है वो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ये कहना था सचिन तेंदुलकर सर का। तो दोस्तों ये सारी बातें जो है वो सचिन सर ने कही वर्ल्ड कप 2019 से पहले हुए एक इंटरव्यू में, जहां पर सबसे बड़ी बात उन्होंने एमएस धोनी की बैटिंग पोजीशन को लेकर कही, जहां पर उन्होंने कहा कि नंबर 5 पर जो है एमएस धोनी को खेलना चाहिए। अब इस पर आपकी क्या राय है, कौन से नंबर पर एमएस धोनी को बैटिंग करने आना चाहिए, आप अपनी राय जो है वो कमेंट कर जरूर दें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।